सो दोस्तों, बैंडविथ मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरह से जो है बैंडविथ मैनेजमेंट जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरह से यूजर्स को पूरा मैनेज करते हैं, सो आज के इस वीडियो हम इसी विषय में पूरा डिटेल में समझेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में हम बैंडविथ के बारे में, यानी कि बैंडविथ मैनेजमेंट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे किया जाता है, जरा इस पे आज पूरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंडविथ मैनेजमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अब एग्जांपल देता हूं कि क्यों पड़ती है हमें जरूरत। जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आज सपोज कर लो कि आप एक ISP हो, तो अब उस ISP से मैंने कनेक्शन लिया है, ठीक है, आप ISP हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, आपसे मैंने जो है एक कनेक्शन लिया, आपके पास बैंडविड्थ जो अवेलेबल है वो 5 MBPS है। सो वो 5 MBPS, क्योंकि अभी मैं आपका एक अकेला ही कस्टमर हूँ, तो आपने जो मैंने जो 5 MBPS की स्पीड मांगी है तो वो आप मुझे एलोकेट कर रहे हैं, और आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी राउटर्स हैं, वो मुझे पूरी बैंडविड्थ जितनी मुझे रिक्वायर्ड है वो मुझे पूरा फीड कर रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि आपके पास एज अ ISP, क्योंकि आपको भी अपना बिजनेस इंक्रीज करना है, तो ऐसे में आपको जो है एक और कस्टमर मिल जाता है, तो उस कस्टमर को भी आपको जो है 5 MBPS की जो है वो स्पीड देनी पड़ती है। और यहाँ पे क्योंकि हम एक होम यूजर्स हैं तो हम हमेशा 24/7 तो ऑनलाइन रहते नहीं है। सो से फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा इंस्टेंट आता है जहाँ पे आपके दोनों ही क्लाइंट जो हैं वो एक साथ ऑनलाइन आते हैं, अब क्योंकि आपके पास 5 MBPS की ही स्पीड है और मैंने भी 5 MBPS की स्पीड मांगी है और जो आपका सेकंड क्लाइंट है उसने भी 5 MBPS मांगा है, तो ऐसे में जो है आपने जो कैपेक्स लगा के रखा, कैपिंग करके रखा हुआ उसके अंदर कि ये जो यूज़र है इसको 5 MBPS की स्पीड देनी है, सेकंड यूज़र है उसको 5 MBPS की जो स्पीड एलोकेट करनी है, लेकिन अभी आपके सिस्टम को दोनों को मैनेज करना है, तो अगर सपोज कर लो कि अगर वो मैनेज नहीं करता है तो क्या होता है, क्या हो सकता है, चला उस पर थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं कनेक्ट हुआ तो मैंने 5 MBPS की स्पीड की रिक्वायरमेंट करी, तो अब मेरे पास कंटिन्यू 5 MBPS की स्पीड आ रही है। अब एक घंटे बाद आपका सेकंड क्लाइंट लॉगिन करा, अब क्योंकि 5 MBPS जो है वो कम्प्लीटली मेरे पास आ रही है, तो दूसरा क्लाइंट जो है आपका उसको जो है ब्राउजिंग ही नहीं हो पा रहा उसका, तो डाउनलोड अपलोडिंग की तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी तो उसको जो है सिर्फ ब्राउजिंग तक भी इम्पॉसिबल हो चुका है। अब ऐसे में जितने भी ये इक्विपमेंट, जो बैंडविड्थ मैनेजमेंट इक्विपमेंट, चाहे वो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, वो जो बनाए जाते हैं, तो उनके साथ होता क्या है, वो क्या करते हैं कि दोनों ही, जैसे ही आपका सेकंड यूज़र जो है वो लॉगिन करता है तो दोनों को ही उसको स्पीड जो है डाइवर्ट करनी होती है, वो क्या करता है जो आपके पास अवेलेबल स्पीड है फीड करने के लिए, वो उस स्पीड को जो है दो भागों में डिवाइड कर देता है। सो यहाँ पे जो मेरी 5 MBPS की स्पीड थी वो मेरे को कम होके अब उसकी 50% रह गई, अब वो सेम 50% जो स्पीड है वो आपके सेकंड क्लाइंट को भी मिलने लग गई। तो ऐसे में जो है आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो बैंडविड्थ मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके अंदर ये फंक्शनैलिटी बनाई जाती है, क्योंकि अगर किसी एक यूज़र को ही डेडिकेटेडली स्पीड मिलती रहेगी तो जो बाकी यूज़र्स हैं उनको ये चीज़ नहीं मिल पाएगी, तो वो जो है अगर सेकंड में या थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे तो इंक्रीज होते जाएंगे यूज़र, तो वहाँ पे जो है आपको स्पीड जो है जो पहले कनेक्ट हो गया, यहाँ पे स्टोर्स के अंदर जनरली फीफो सिस्टम्स होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लेकिन जहाँ पे बात आती है बैंडविड्थ मैनेजमेंट, यानी कि बैंडविड्थ मतलब एक ऐसा पैरामीटर जो कि मेजर करता है आपके डेटा ट्रांसफ़र रेट को। सो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है उसको मैनेज, जो उसको मेजर करता है, उस शब्द को कहते हैं, उस इक्विपमेंट, उस पैरामीटर को कहते हैं बैंडविड्थ मैनेजमेंट। सो ऐसे में
अगर हम बैंडविथ मैनेजमेंट के इक्विपमेंट हार्डवेयर हों या सॉफ्टवेयर हों, अभी से फॉर एग्जांपल ये तो हमारे लीज लाइन और अपने ब्रॉडबैंड वगैरह की बात हो गई, अभी जो जियो की सिम्स आ रही हैं, जब उनके पास कस्टमर्स कम थे तो जियो की जो बैंडविथ की जो स्पीड थी, यानी कि आपको जो इंटरनेट की स्पीड थी वो तो बहुत ही फास्ट थी, लेकिन जैसे जैसे उनके इक्विपमेंट्स पे, उनके सर्वर पे नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज हुए, तो वो जो एलोकेटेड बैंडविथ थी तो पहले आपको ज़्यादा मिल रही थी, अब स्लोली ग्रेजुअली जो है कम हो गई है। तो ये तरीका है, और आप जब भी देखें कि जब नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे जो है पूरा नेटवर्क कंजेशन बन जाता है। तो अब नेटवर्क कंजेशन से बचने के लिए जो है ये फीचर एलोकेट किया जाता है, ये फीचर डिज़ाइन किया जाता है कि जितने भी यूज़र्स हैं तो उनको जो है वो थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी बैंडविथ है उनको नंबर ऑफ लॉगिन यूज़र को डिवाइड करते हैं दी स्पीड विच ISP हैज अवेलेबल। सो उसको जब डिवाइड करके निकालते हैं तो उसकी जो स्पीड आती है तो वो उस हिसाब से सभी यूज़र में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले लॉगिन हो रखे हो तो आपको पहले सबसे मिल के ज़्यादा मिल रही है तो आपको एंड तक ज़्यादा मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको अगर ऐसे मिलती रहेगी तो लास्ट में जो लॉगिन होने वाले कस्टमर्स हैं या क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए तो वो चीज़ हो सकता है कि लॉगिन ही ना हो पाए। सो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले जब बैंडविड्थ मैनेजमेंट का जो यूज़ हुआ, स्टार्टिंग जब हुई थी, तब ये चीज़ बहुत सारी चीज़ सामने आई थी कि अगर इसी फंक्शनैलिटी नहीं होगी तो बैंडविड्थ को, यानी कि उस चीज़ को मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब आपकी अगर बात करूँ या मेरी अगर बात करूँ, हम जहाँ पर भी कंपनीज़ में जितने भी हमारे गेस्ट नेटवर्क पे या फिर हमारे एडमिन नेटवर्क पे या जितना भी फीड करते हैं तो वहाँ पे हमें बैंडविड्थ मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि किस लेवल के यूज़र को किस लेवल का जो है बैंडविड्थ एक्सेस देना है, और वो हमारा जो सिस्टम है वो उसी हिसाब से एलोकेट करता है। तो जितनी भी स्पीड अवेलेबल होती है उसको जैसे जैसे हम कैटेगराइज करते हैं, हमारा जो सिस्टम है वो ऑटो कैलकुलेशंस करता है, और तुरंत जैसे ही नंबर ऑफ़ यूज़र इंक्रीज होते चलते हैं वैसे ही सभी यूज़र्स की थोड़ी थोड़ी स्पीड जो है वो कम होने लग जाती है, और जैसे जैसे वापस से यूज़र आउट होते चले जाते हैं और लॉगिन यूज़र जो हैं उनकी जो काउंटिंग है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे जो है जितने कनेक्टेड यूज़र्स हैं, जो लॉगिन यूज़र्स बचते हैं, तो उनको जो है वहाँ पे बैंडविड्थ जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो उनको ज़्यादा मिलने लग जाती है। ऑटोमेटिकली ये जो है फ्लोट होता रहता है, राइट, जैसे वेव्स होती हैं, तो उसी तरह ये पूरा बैंडविड्थ मैनेजमेंट जो है ये उसी हिसाब से जो है पूरी बैंडविड्थ को फ्लोट करवाता रहता है। सो ये फ्लोटिंग सिस्टम जो है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है आपके नेटवर्क में कंजेशन ना हो और जो आपके यूज़र्स हैं उनको भी प्रॉपर जो बैंडविड्थ है वो मिलती रहे। सो दोस्तों ये तो था बैंडविड्थ मैनेजमेंट के पीछे का फंडा। एक्चुअली बैंडविड्थ मैनेजमेंट जो है सिस्टम, एक्चुअली उसको मैनेज किस तरह से करता है, बैंडविड्थ तो सबको पता है बैंडविड्थ किस तरह से मैनेज होती है, लेकिन जब हम नंबर ऑफ़ यूज़र से ऊपर नीचे होते हैं तो उस वक्त हमारे सिस्टम्स उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर है चाहे सॉफ्टवेयर है, ये चीज़ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। सो आई थॉट कि आज जो है उस चीज़ को एक क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए कि किस तरह से ये जो हमारे सिस्टम्स हैं वो बैंडविड्थ को हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र इंक्रीज और डिक्रीज पे जो है स्पीड को एलोकेट करते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोज़ पहले भी बहुत सारे लेके आ चुके हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोस लाइनअप हैं। सो अगर आपको ये चैनल जो है अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास में आपको बेल आइकन मिलेगा उसको भी दबा दें
ताकि जो है जब भी हम आपको वीडियो जो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।